दोस्तों कैसे आप सब खैरियत से तो है, दुआ करता आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ना, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। आज आप सोचोगे कि यूनुस भाई ने वीडियो अपना इको का क्यों नहीं बनाया, तो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि भाई इको की कब आपको ज़रूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वो चीज़ का इल्म बहुत ज़रूरी होना हो कि जो पढ़ रहे हो आप, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि सा और शीन में वगैरह ये सब फ़र्क हो। बहुत सारे मैंने देखता हूँ तो उनके पढ़ने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप नात पढ़ो तो नात के अंदाज़ में ही पढ़ो, ना के गानों के तर्ज में। मैंने बहुत सारे सनाखान मुस्तफ़ा को देखा है, नाथ खान हज़रत को देखा है कि नात वो तर्ज चेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे तर्ज बना देते हैं खुद से, और लोग फिर उसी तर्ज के पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो एकदम मतलब आसान जो रहता है ना तर्ज, वो हो जाता है फिल्मी तर्ज जो रहते हैं ना, आसान हो जाते हैं। और नात का तर्ज, कोई भी नात का तर्ज, एक उसका तर्ज अलग ही होता है, नात का नात के हिसाब से होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरी बात ये कि आपकी आवाज़ है ना, वो भी बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो माशाल्लाह, अच्छी बात है, पढ़ सकते हो, हर बंदा हुजूर का सनाखा है। ठीक है, मैं किसी के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये बंदा नहीं पढ़ सकता कि वो नहीं पढ़ सकता, सारे के सारे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमें पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आवाज़ के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज, अच्छे लबो लहजे में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखो हर वक्त तसव्वुर, ये कोई अंदाज नहीं अंदाज होता है एक नात को पढ़ने का, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त, समझे, ये एक अंदाज होता है। आप उस अंदाज़ को, अंदाज़ कोई भी नात रहें दो, अंदाज़ पहले ऐसा हो सके ना, सबसे पहले बेहतर आप वो काम करिए कि आप एक नाफ़ा हजरत को जो आपको सरल लगते हो ना, जो आपको सबसे बेस्ट लगते हो, जितने भी नाफ़ा अच्छे नाफ़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को नीचा दिखा ये वो सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छे पढ़ने वाले नाफ़ा हजरत, आपको जो भी पसंद आए, चाहे असद इकबाल आए, उस्ताद कादरी आए, डॉक्टर निसार मारफानी साहब आए, या कोई भी ऐसे नाफ़ा हजरत है, आपको सैयद अब्दुल वसीम मियाँ है, या कोई भी ऐसे कोई भी नाथ खां आपको जो पसंद है ना, उस नाथ खां को आप फॉलो करें, उनके अंदाज, उनके अंदाज को कॉपी करें, उनके अंदाज को कॉपी करें, उनके गले को कॉपी ना करें, क्योंकि गला सबका चेंज रहता है, किसी के गले की रेंज छोटी रहती है, किसी के गले की रेंज बहुत बड़ी रहती है। तो आप किसी का गला कॉपी करने जाओगे तो आप उसमें पीछे रह जाओगे, गला कॉपी नहीं करना है हमें। जैसे मैं पढ़ूंगा, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल के, अभी मैं यही ओसा कादरी की तरह ज़ोर लगाऊंगा, मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फट जाएगी। क्यों? कि मुझे उनके गले की जो ताकत रेंज है वो चेंज है, और मेरे गले की जो रेंज है वो चेंज है। तो हमें क्या करना, हमारा जो गला जितनी ताकत करता है ना उतना, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना हो, ऐसा, समझे, इस तरह ये अंदाज़ हमारा होना चाहिए, ना कि हम उनका अंदाज़ लेंगे लेकिन कॉपी भी करेंगे, लेकिन गला किसी का कॉपी, गला कॉपी करने से आप, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत 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 आपके साथ बहुत, मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका पढ़ने का अंदाज वगैरह सब चेंज हो सकता है। फिर आप बोलेंगे यार मैं पढ़ता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, फिर मेरा गला कभी ऐसा हो जाता, मेरा वो हो जाता, ये हो जाता, ये सब उस तरह की तकलीफ़ है जो आप वो सामने वाले बंदे का पूरा कॉपी कर रहे हो, उसका गला कॉपी कर रहे हो, उसका अंदाज़ तो ले लिया आपने, उसका गला कॉपी कर रहे हो, उसका गला कॉपी नहीं, आपको उसका अंदाज़ कॉपी करना है। ठीक है, कुछ भाई बोलते हैं कि यार हम एक नात पढ़ते ना हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक नात पढ़ते हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती। सबसे बड़ी बात यह है, जो बंदा रियाज, मश्क, प्रैक्टिस जो नहीं करता ना, उस वो बंदा एक नात से दूसरी नात कभी नहीं पढ़ेगा। और मैं आपको सबसे बेहतरीन वक्त बताऊँ ना इसका, सुबह जल्दी जब आप फजर पढ़ लें, या उससे पहले कभी उठ जाएँ,
तो थोड़ी देर के लिए आप कोई भी मतलब ऐसा गुनगुना या गले को ऐसा रेंज में लाए, ऐसा करके रेंज में लाए गले को, ठीक है। उससे आपका गला क्या बैठेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, रियाज़ करें, इतना रियाज़ करें, नात पढ़े एक घंटा, आपका गला दुखेगा, फर्स्ट टाइम दुखेगा। जब आपका गला दुखना आए तो नमक ले लें, उस पानी में थोड़ा गरारा गरारा कर ले थोड़ा थोड़ा, ठीक है, डेली। तो इंशाल्लाह वो आपका गला भी फिर धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत लग जाएगी ना, फिर आपको टेंशन नहीं। लेकिन आप एक चीज़ मत छोड़ना, मश्क करना है ना, जो रियाज़ करना वो मत छोड़ना। अगर आपने मश्क और ये जो करना छोड़ दिया तो फिर आप फिर पढ़ोगे। मेरे बीच में खुद के एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद मैं खुद लोग मुझे बोलते थे यूनुस भाई आपकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। वहाँ देखिए जाहिर सी बात है ना भाई, जब बंदा पढ़ेगा ही नहीं ना, उसका पढ़ने वो टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। मेरा मुंह तो पूरा ये एक्सीडेंट से यहाँ से फट गया था, वो आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से, पीर मुर्शिद की दुआ और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत नातों के उन सदक़े और दुआ है, माँ बाप के वालिदैन की दुआ है। तो जल्दी से जल्दी खड़े हो गए, ठीक हो गए, बस फिर से नात पढ़ने लग गए, हुजूर की महफिल में लोग फिर से बुलाने लगे। माशाल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। चाहे मैं मुसीबत में हूँ तो सब्र कर लेता हूँ, और जब तक खुशी में हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना ही हमारे लिए सब कुछ है। जो बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं करता है ना, वो बंदा पीछे रहता है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप खाना क्या खाए क्या ना खाए, आवाज़ ख़राब होने वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें ना, खट्टी चीज़ इसका बहुत परहेज़ करें आप, बहुत मतलब बहुत। दूसरी ठंडी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं ठंडे से कुछ नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता, गला पूरा ख़राब हो जाता है भाई, ख़राब होता है, मत पिया करो आप, ठीक है। आपको जब अच्छा लगे काली चाय मस्त अदरक वगैरह डाल के पिया करो, माशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, आपका गला भी अच्छा रहेगा, मतलब आप जो सुस्तड़ वो भी चली जाएगी, पूरी दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको इसीलिए कि आप वो चीज़ खाने पीने पे ध्यान देंगे। कहीं कहीं ऐसा रहता है खाना अच्छा रहता है शादी में तो हम खा लेते हैं, तब हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है। मेरी भी एक बार हुई थी, एक प्रोग्राम्स में मैं गया था, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा हो गया कि मुझे नहीं, वो जो चीज़ मुझे नहीं खानी थी वो मैंने खा ली, उस दिन मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। तब से मैंने एक बात दिल में लगा ली कि भाई रोटी सब्ज़ी खाओ, प्रोग्राम्स में जाओ तो बस सादा सा खाना ले के खा लो, बस ज़्यादा हाँ ही खाना नहीं खा। और खाना जब भी आपको प्रैक्टिस या नात पढ़ भी रहे हो तो जब आप खाना कम खाएं, चाहे तो जब आप प्रोग्राम से फारिग हो जाए तब आप खाना भरपेट खा ले। खाना वैसे ही भरपेट नहीं खाना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक जितना खाना कम खाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक बात और है, ठीक है, आप नात जब भी पढ़े ना तो ये होना चाहिए कि मतलब भाई मैं पढ़ते पढ़ते मैं मतलब कोई चीज़ जैसे सामने नात रखी, फिर ऐसा ना होना चाहिए कि आप पहले उसको ना चार आठ बार दस बार देख ले, देख ले पढ़ ले, देख ले पढ़ ले, ताकि आपको क्या पढ़ो देख भी लोगे ना। देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, फिर भूलना, फिर देखूँगा, फिर ऐसे देखो ऊपर लाइन नीचे लाइन, इसमें क्या कन्फ्यूज हो जाएगा आप। तो थोड़ा बहुत देख के करोगे ना उसको तो आपको मज़ा आएगा। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकारे, देखो नॉर्मल ये थोड़ा अंदाज देख लेने का हो गया सब। देखो और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं जिस तरह आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह इतने सारे फ़ायदे बताऊंगा नाफ खां बनने के, बहुत सारे। आप मुझे क्या समझते हो, मेरी ज़िंदगी आप मेरी लाइफ जो चेंज लाइफ देखो, पहले वाली लाइफ देखोगे। मैं क्या था, नॉर्मल एक कपड़े की दुकान में काम किया करता, छोटे मोटे गाने इधर उधर गाने की आदत थी मुझे बाकी कुछ नहीं था। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक इस्लामिक माहौल में आया, और माहौल में आने के बाद हुजूर का सनाखा बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात सुनो दोस्तों, आप इस चीज़ को है ना बांध के रखो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और किसी को इस तरह बोल रहा हूँ। देखो जब आप इस लाइन में आओ ना तो सारी लाइन छोड़ दो, आप दुनियावी लाइन छोड़ दो, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, बस अल्लाह को खुश करने के लिए काम करो। नमाज़ के पाबंद बनो, आप नमाज़ के पाबंद बनो, तस्बीह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, आपकी आवाज़ वैसे भी बेहतर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, सुरीली हो जाएगी। और आप बिल्कुल दुआ करते रहो अपने भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों, परेशान भाइयों के लिए, दूसरों के लिए अच्छा है ना, अच्छा सोच लिया करो। सबसे बेहतर तो यही मैं बोलता हूँ, आपकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी दूसरों के लिए। अच्छा अपने माइंड में दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचे, अपन अच्छा सोचेंगे ना इंशाल्लाह सारा काम अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत इतनी लंबी भी वीडियो नहीं बनानी चाहिए ताकि लोग देखें नहीं। मैं तो बोलता हूँ मैं लंबी भी बनाऊँ, आप पूरी वीडियो देखूँगा, आप बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। और कल वीडियो या शाम कल वीडियो और अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, तो उसमें कुछ अलग वीडियो मैं आपको बताऊँगा, इको के साथ भी आपको इको की सेटिंग भी बताऊँगा। लेकिन आप, मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक भाई और जुड़ जाए और एक साथ में वो चीज़ समझ जाए फिर मैं आपको वो चीज़